ये सारे ऐलानात एक जज्बे और एक ईमान की कुव्वत के साथ किए हैं। और ये हिम्मत मुझे तब आई जब मैंने देखा कि तमाम बैनुल मज़ाहिब के लोग, तमाम कम्युनिटी के, सिविल सोसाइटी जो कि जब खड़ी हो जाती है तो उसे दबाना और उसकी आवाज़ को दबाना बहुत मुश्किल होता है। आज यहाँ सिविल सोसाइटी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने मुझे यकीन दिलाया कि हम सब आपके साथ हैं। देखें, मेरे कुछ जो दोस्त हैं वो मुझे कह रहे थे कि ये जो ताकतें हैं इनके सामने मफाहमत रखिए, मसाहलत रखिए, बीच की बात कीजिए, क्योंकि जब इनको लगेगा कि कोई ऐसा शख्स, जैसे मैंने ये दावा किया कि पूरी दुनिया में एक वाहिद ये गवर्नर हाउस है जिसकी पूरी दीवारों पर फ़लस्तीनी परचम आवेज़ा हैं, यहाँ से आवाज़ जाने का मकसद एक पॉलिसी होती है, तो मुझे कहा गया कि इसको बैलेंस रखें, वरना ऐसा ना हो कि आपकी जो ये कुर्सी है ये हटा दी जाए, ये हिला दी जाए। तो मैं अल्लाह को जान के कहता हूँ कि मैंने उनको जवाब में ये कहा कि कल जाती है तो आज जाए, जानी तो है, कोई सारी ज़िंदगी इन मनसब पे नहीं बैठता, लेकिन अगर इस मकसद के लिए जाती है तो मेरी आखिरत समझ सकती है।